Hello and welcome to another episode of Untitled Podcast. I'm Jagmeet and with me I have Vibhor. Hello guys. And Sid. What up people, here we are again. Okay, so welcome both of you. So, aaj ke episode mein we will cover three different stories from regarding campaigns and marketing in India. और एक एक करके वन बाय वन वी विल गो थ्रू द स्टोरीज एंड गिव अवर ओपिनियंस एंड डिस्कस दैट. सो स्टार्टिंग विद द वन मेजर स्टोरी दैट हैपन्ड लास्ट वीक इज दैट ओगिल्वी टुक वीवो एंड डेंसू टू द हाई कोर्ट. सो तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि स्टोरी क्या थी, कि बेसिकली ओगिल्वी ने ओगिल्वी वीवो के लिए 2018 में काम करती थी. उन्होंने आमिर खान के साथ ऑलरेडी दो तीन कमर्शियल शूट किए थे और वो चल रहे थे. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे ऑल्सो पिस्ट डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड ऑफ द कार्निवल थीम की, जो उस टाइम गो थ्रू नहीं हुआ. एंड लेटर बाद में डेंसो के साथ उन्होंने वीवो ने वही वाला कमर्शियल लॉन्च कर दिया और अभी दिवाली पर वो चल भी रहा था. तो वही प्लैगरिज्म का केस जो है वो चला है और दोनों पार्टीज बोल रही हैं कि वीवो भी बोल रही है कि, और जो डेंसू ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकाला है कि इट्स अ क्लियर कोइंसिडेंस एंड इट्स देयर ओरिजिनल आइडिया एंड इट हैज बीन. बट हम जानते हैं और देखते हैं कि एजेंसीज के अंदर ये काफ़ी कॉमन है और बाहर नहीं आता है, क्योंकि यूजली तो पॉइंट ये था कि ओगिल्वी वीवो के साथ पहले काम करता था और एक जो दिवाली पर अभी एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया था वीवो ने कार्निवल का, लाइट ऑफ द नाइट करके, उस एडवर्टाइजमेंट की के ऊपर कंट्रोवर्सी थी कि वीवो बोल रहा था कि अरे यार 12 बज गया ना ये साला अलार्म, बंद ही नहीं करना था मुझे इसका नहीं आता यार डिफॉल्ट लगाओ जब से खरीदी है. सो अवर फर्स्ट स्टोरी कम्स फ्रॉम ओगिल्वी. ओगिल्वी बेसिकली वीवो और डेंसू पर उन्होंने केस किया है और अभी हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है. केस है वीवो के दिवाली पे लॉन्च हुए कमर्शियल का, जो एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर है, कार्निवल के अंदर, और लाइट अप द नाइट करके पूरी थीम है. वो उस एडवर्टाइजमेंट पे कंट्रोवर्सी चल रही है. वीवो ओगिल्वी बोल रहा है कि हमने सिमिलर आइडिया जो है उनको पिच किया था विद डिटेल्ड स्टोरी बोर्ड, जो उस टाइम उन्होंने नहीं लिया. एंड लेटर बाद में डेंसू इम्पैक्ट के साथ उन्होंने सेम आइडिया को कॉपी कर एडवर्टाइजमेंट बना दिया. ये केस है जो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. अकॉर्डिंग टू डेंसू की ऑफिशियल, डेंसू इम्पैक्ट की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें बोला गया है कि ये उनका खुद का ओरिजिनल आइडिया, उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया. एंड इफ़ समथिंग मैचेस, जो उनके साथ अगर कुछ मिल रही है उनके दिए हुए आइडिया के साथ, देन इट्स अ क्लियर कोइंसिडेंस. बट ओगिल्वी का बोल रहे हैं कि इट्स क्लियरली प्लैगरिज्म. और अभी तक कोर्ट ने कोई फाइनल फैसला तो नहीं दिया, बट एक जो इंटरिम फैसला आया उसमें कोर्ट ने सिमिलैरिटीज़ पाई दोनों चीज़ों के अंदर, जो ओगिल्वी ने पिच किया था आइडिया और जो फाइनल एग्जीक्यूट हुआ है डेंसू इम्पैक्ट की तरफ से, उनको उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई गई हैं. और उसी हिसाब से उसने 1 करोड़ रुपए का जो फ़ाइन है वो वीवो के ऊपर डाला है कि वीवो हैज़ टू पे 1 करोड़ रुपीज़ टू ओगिल्वी. अब अगर इस चीज़ की बात करें तो वैसे तो ये वाला जो इशू है काफ़ी कॉमन है और हम छोटी एजेंसीज के अंदर देखते हैं कि कोई भी कंपनी को कि जब भी उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं होते होते तो वो 6-8 कंपनीज को पिच करने के लिए बुला लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट दे आर हंटिंग फॉर इज़ द आइडिया एंड नॉट द कंपनी और द एजेंसी. तो जिसका भी किसी का आइडिया अच्छा लगता है वो आइडिया वो ले लेते हैं और जो उन्हें अच्छी डील देता है सस्ते में करके देता है उससे एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, काम करवा लेते हैं. बट अभी क्योंकि यहाँ दो बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व थी और एक बड़ी कंपनी इन्वॉल्व थी, तो ये सामने आया मामला. और आई थिंक इट्स गुड कि सच थिंग्स प्लैगरिज्म डिस्कस किया जा रहा है इंडिया के अंदर. यूजुअली
क्योंकि सभी इग्नोर कर देते होते हैं उसको. इट्स नॉट अ बिग डील एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. इंडिया के अंदर नहीं लिया जाता, बट ओगिलवे बीइंग एन इंटरनेशनल कंपनी दे टेक इट सीरियसली और उन्होंने इसको उठाया. और आई थिंक इट्स अ रियली गुड डेवलपमेंट जो हुआ, एंड स्पेशली द कोर्ट का डिसीजन भी जो फेवर में आया है कि प्लैगरिज्म को गलत बताते हुए. आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल गोइंग फॉरवर्ड. आगे से अगर ऐसा कुछ होता है देन कंपनीज कैन मूव टू द कोर्ट. या सो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस सेट? राइट, सो ऐसे हमने बहुत देखा है, लाइक एजेंसी में हमने जितना टाइम डाला है एंड हम खुद देखते हैं कि लाइक कहीं ना कहीं क्लाइंट्स होते हैं कुछ कुछ जो या तो आपको पिच करने के लिए बुलाते हैं, राइट, एंड साथ ही साथ आपके साथ आप बेसिकली कंपटीशन में रहते हो दूसरे एजेंसी के साथ भी. उसमें काफ़ी सारी एजेंसी भी आती है, अलग अलग आइडियाज़ भी निकालती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोलूँगा, ऐसे कुछ क्लाइंट होते हैं, सम ऑफ दोज जो यू नो आइडिया बस पता करने के लिए कि क्या फ्रेश है मार्केट में, ताकि वो दे विल नॉट इवन सेलेक्ट यू वर्क, और बोलेंगे कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देंगे, बट आगे जाके दे विल डू द सेम स्टफ, राइट. एंड आई डोंट नो, ये एक तरह से प्लेगरिज्म इसे कहूँ या नहीं कहूँ, क्योंकि सी ओरिजिनैलिटी आज के टाइम पे क्रिएटिविटी में इट्स ऑनेस्टली आई डोंट नो, लाइक लोग इतना काफ़ी क्रिएटिव लोग आके ऐसे बोलते हैं कि आई एम एन ओरिजिनल आर्टिस्ट, बट कहीं ना कहीं सी एवरीथिंग इज बिल्ट ओवर समथिंग, स्पेशली इन क्रिएटिव इंडस्ट्री. आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप कुछ भी एज अ डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ ऊपर उसके किसी ना किसी एक एग्जिस्टिंग क्रिएटिविटी के ऊपर बने रहता है, क्रिएटिव आर्ट वर्क के ऊपर बने रहते हैं. और सो आई डोंट नो, लाइक स्टिल इन अ कोर्ट, जैसे जब मीत ने बताया अभी कि देखिए अभी स्टिल कोर्ट में है, बट ये होता है जस्ट बिकॉज यू नो ये दो ऐसे ब्रांड है, द बिग ब्रदर्स है जो एड एजेंसी के एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के, तो मे बी इसलिए ये आ रहा है, नोटिस हुआ है लोगों को, यू नो. वैसे काफ़ी सारी छोटी एजेंसी है जिनके साथ हो रहा है, बट I don't know, it never ever has been in the news or yes, just because they are small agency, nobody gives itna sa bhi. Ek Big Bazaar ka, achha jo Diwali ad aaya is baar ka, uska bhi ek chal raha tha ki Big Bazaar ka jo recent ad aaya hai, wo ek adhik 3 ya 4 saal purani ek shop. To basically Big Bazaar ne Diwali pe ad nikala hai, jisme ek shopper hai jo बिग बाज़ार से बाहर निकलती है, उसके पास कुछ सामान होता है और समहा उसको लगता है कि कोई उसे सामान चुराने का ट्राई कर रहा है या कुछ होता है, और वो एक जगह जाती है तो एक्चुअली वहाँ पर वो कोई गांव के बच्चे होते हैं जो एक्चुअली किसी जो भी एजुकेटेड मिलता है उसको किसी ना किसी बहाने से खींच के गाँव में ला रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पर एजुकेशन में सपोर्ट कर सकें. सेम इसी किसी कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म 3-4 साल पहले आई थी. उसके अंदर एक मतलब मार्केट से के अंदर कोई होता है, कोई कॉलेज एज की लड़की होती है और एक छोटा सा बच्चा आता है गांव का और वो उसका बैग चुरा के भागता है, और जैसे ही वो बैग लेके जाता है उसके बीच बीच भागती है और वो ले जाके उसे एक छोटे से कस्बे में पहुंचा देता है, जहाँ पे वो बताता है मतलब वहाँ पर दिखता है कि वो बेसिकली हर एजुकेटेड इंसान को पकड़ के ला रहे होते हैं ताकि वो पढ़ा सके. तो उसका भी एक अभी कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा है कि वो बिग बाजार की जो स्क्रिप्ट है वो कितनी ओरिजिनल है, मे बी उन्होंने क्योंकि उनके में वो चोरी वाला सीन नहीं है, बट समहाउ कॉन्सेप्ट स्टिल काफी सिमिलर है. सो दिस इज आल्सो इन द न्यूज. ठीक है, सो क्योंकि काफ़ी एजेंसीज के साथ ही होता था तो कई लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला था, वाज द पेड पिच बेसिकली, कि जो ओवरऑल जितना कोर्ट होता है उसका तो 15% अगर आप If you don't go ahead with the pitch, then you have to pay at least the 15% of the amount. उस कंसेप्ट को सोचने का बेसिकली आइडिया हो जाता है कि ठीक है, आप अगर सिर्फ कंसेप्ट खरीदना चाहते हो तो आप वो भी ले लो, आपको एग्जीक्यूट नहीं करवाना, आप किसी और से करवा दो.
और पहले ही काफ़ी होता था कि पिक्चर्स जो है अभी कुछ साल ही हुए हैं कि क्रिएटिव लेवल तक पिक्चर्स होने लगे हैं, अदरवाइज पिक्चर्स यूज टू हैपन ओनली एट स्ट्रेटेजिक लेवल, तो उसमें कुछ उतना ज़्यादा आई एम टॉकिंग अबाउट नाइन्टीज़। अरे यार अभी क्या है, अभी तो क्या है कंप्यूटर के ऊपर बनाना होता है, पहले क्या होता था कि आपको अगर वो पूरा एफर्ट बहुत ज़्यादा जाता था क्रिएटिव पूरा 10-10 लेआउट पूरे पेज का प्रेजेंटेशन पेपर पे बना के लेके जाया करते थे। हाँ वही कह रहा हूँ ना, तो एफर्ट बहुत ज़्यादा होता था, नहीं था वो उतना, एफर्ट बहुत ज़्यादा होता था, अभी जितना जल्दी क्रिएट हो जाता है ठीक है। एफर्ट भी साथ साथ क्योंकि नहीं कह रहा आधे से ज़्यादा लाइक तुम्हारा पिच प्रेजेंटेशन मांग लेंगे राइट, आधे ज़्यादा वैसे क्लाइंट्स होते हैं जो साथ साथ तुम्हें बोल देते हैं कि लाइक यू गिव अस योर प्रेजेंटेशन एंड विल डिस्कस एंड विल लेट यू नो राइट, एंड कहीं ना कहीं जो इनएक्सपीरियंस एजेंसीज है या फिर स्टार्टअप एजेंसीज है या फिर जो नए प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं टू यू नो टू गो टू टेक दैट क्लाइंट, लाइक अगर कोई बड़ा क्लाइंट आ गया स्पेशली, और ये ज़्यादातर मैंने जितना देखा है ये रियल एस्टेट में बहुत है, आई डोंट नो ये कितने औरों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है बट ये रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल्स इन सिडनी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। चलो अगला अगली स्टोरी कौन सी है सेकंड स्टोरी से? बताएगी तू तुम्हारी तरह तो सो तो तूने जैसे एक न्यूज़ के ऊपर गौर करा, मैं बताना चाह रहा था कि कैसे ब्रांड्स की कैंपेन स्ट्रेटजी डेवलप होती है ओवर द टाइम, एंड उसके लिए एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी है टाटा टी। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सो टाटा टी लाइक ब्रांड, सो इट्स अ टी ब्रांड। सो जब टाटा टी शुरू हुआ था तब उन्होंने अपने कोर प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजिंग करी थी जो कि इस तरह से थी कि आपको वो जैसे चाय का प्रोडक्ट है, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, कुछ ज़्यादा तड़के ज़्यादा फ्रेश वाली है, कुछ ज़्यादा स्मेल वाली है, मोटे पत्ते छोटे पत्ते, तो अलग अलग मसाले। फॉर द बिगिनिंग के कुछ एक साल तक उन्होंने हार्डकोर इस चीज़ पर एडवर्टाइजिंग करी कि प्रोडक्ट कैसा है, इट वॉज प्रोडक्ट फ्रंट एडवर्टाइजिंग, मोटे दाने की पत्ती है, ये वाली दानी सुबह ये वाला दाना सुबह सुबह के लिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्मेल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय है, ये वाली थोड़ी लाइट चाय है, ऐसे उनके अलग अलग प्रोडक्ट वेरिएंट थे और पूरा ब्रांड उस तरीके से प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में बिल्ड होता रहा था। सो जो काफ़ी हद तक जब अपन स्टार्टअप्स का डेवलपमेंट भी देखते हैं, जो भी छोटे ब्रांड जो स्टार्ट होते हैं वो लोग जब आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग अपने ब्रांड की मार्केटिंग शुरू करते हो, आपकी कोर आइडेंटिटी आपका कोर मैसेज इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, विदाउट देर इज एन एडवर्टाइजिंग लेयर ऑन इट बट यू वुडंट से कि इट्स अ फार फेस्ट एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग आइडिया। सो बेसिकली प्रोडक्ट फ्रंट रहता है, आप उसका जो कैंपेन आइडिया उसके ऊपर लगाते हो उस पर बेस्ड होता है रादर देन हैविंग एनी लाइक और ज़्यादा डीप लेटरल थिंकिंग वाला आइडिया। तो टाटा टी के जितने भी ब्रांड्स हैं, टाटा टी गोल्ड और टाटा टी ताज़ा और रेड शक्ति, नहीं टेटली नहीं, मैं टाटा टी को बता रहा हूँ। सो टाटली तो बाहर की हाँ। सो टाटा टी के अपने सभी ब्रांड्स की जो टाटा टी के सब ब्रांड्स हैं शक्ति ताज़ा और गोल्ड या जो भी ब्रांड्स हैं, आई थिंक गोल्ड ज़्यादा प्रीमियम है बट वो नहीं, तो उन ब्रांड्स के अंदर टाटा टी हमेशा प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग करता था, एंड देन विद द टाइम के साथ साथ उस प्रोडक्ट के उन्होंने काफ़ी एडवर्टाइजिंग कर ली थी, लोग कंज्यूमर्स को समझ में आ गया था कि ये वाली चाय इस यूज़ केस के लिए है, ये वाली चाय इस यूज़ के लिए है। तो जब उनका ब्रांड मार्केट एस्टैब्लिश हो चुका था, लोगों को पता था कि टाटा टी इज अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट, वी कैन ट्रस्ट ऑन इट, वी कैन रिलाई ऑन इट, इट्स मतलब इट्स नॉट अनहेल्दी, और थोड़ा सा जब ब्रांड उनका बिल्ड हो गया था कंज्यूमर की माइंड में, देन दे स्टार्टेड विथ मोर लेटरल थिंकिंग काइंड ऑफ कैंपेन्स। टाटा टी का पूरा कैंपेन लोलिंटास मुंबई ने किया है आई गेस, और फिर उन्होंने कैंपेन लाए थे जागोरे कैंपेन। तो कैसे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग जो एक टाइम पे उनकी सिर्फ ये थी कि चाय स्ट्रांग होती है और आप सुबह उठ के पियो, और मॉर्निंग शॉट में फैमिली दिखाना, मॉर्निंग के अंदर दादाजी वाली फैमिली दिखाना, वो सब जो डेवलपमेंट चलता था, वहाँ से ब्रांड शिफ्ट होके गया इस बात के ऊपर कि चाय पीने से आप सिर्फ सो के नहीं उठते हो, चाय पीने से आप
सो के उठने को आप एक अलग मीनिंग भी ले सकते हो। आप सो के उठते हो मतलब किसी कॉज के लिए भी उठ रहे हो, सो के उठते हो मतलब आप किसी आपका जो पैशन है आप उसके लिए भी आ सकते हो। तो वो जो लिटरल अप्रोच जो ली गई, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर इवन स्टार्टअप काइंड ऑफ ब्रांड्स, जो एक टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हो, लेकिन व्हेन योर ब्रांड डेवलप्स देयर कंज्यूमर स्टार्ट रिलेटिंग टू इट, योर कॉज, व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर ऑफरिंग, व्हाट्स द सॉल्यूशन यू आर ऑफरिंग, व्हाट्स योर प्रोडक्ट, देन द स्टेप गोज ऑन टू द मोर लिटरल अप्रोच, हाउ टू बिल्ड द टेकिंग द ब्रांड लाइक फ्रॉम द प्रोडक्ट फ्रंट टू अ कम्युनिकेशन फ्रंट, that what your brand stands for. That happens after when you establish your product in the market. And Tata Tea is a very good study because उन्होंने इस पर काफ़ी time दिया, उन्होंने आराम से 6-7 साल या I think 10 साल तक सिर्फ product advertising करी, और वो product advertising जब उन्होंने इतनी strong कर दी, जब consumer के दिमाग में product एकदम रट गया, उसके बाद उन्होंने उसको एक communication front लेकर आया, वो था जागोरे campaign. And जागोरे campaign भी I think आराम से 8 या 9 साल 10 साल पुराना हो चुका है, वो 9 साल से अब भी यही campaign कर रहे हैं. और जागोरे का थॉट ये है कि उन्होंने चाय को सोखे उठने को लेकर गए वो इस लेवल पे कि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ चाय सिर्फ सुबह उठ के सोखे उठने से रिलेट नहीं करती, चाय रिलेट करती है चाय रिलेट करती है किसी चीज के लिए उठने से, किसी कॉज के लिए उठने से. और उन्होंने इस चीज को, क्योंकि टाटा एक इंडियन ब्रांड है, हार्ड कोर कंप्लीट इंडियन बिजनेस, उन्होंने उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस कॉज के लिए कैसे उठना है, और जैसे उनकी कैंपेन्स थी अलार्म बजने से पहले जागो, सो वो वुमेन हरासमेंट और रेप केसेस के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस दिखाया था. उन्होंने एक और जो उसी एड के अंदर एक और कॉज दिखाया था अबाउट इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, कि उसमें आप जब प्रॉब्लम आ जाती है तब मत करो, आप पहले से एक्ट करो, अलार्म बजने के बाद जागोगे तो क्या पॉइंट होगा. सो दिस इज द कम्युनिकेशन फ्रंट, जो कई बार कुछ जो तो बेसिकली दिस इज सेकेंड लेयर कम्युनिकेशन. फर्स्ट लेयर कम्युनिकेशन उन्होंने पूरे टाइम एस्टेब्लिश करा कि हाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, एंड व्हेन व्हाट इज द प्रोडक्ट एस्टेब्लिश, दे टुक अनदर स्टेप, द लिटिल स्टेप वेयर दे इंट्रोड्यूस द कोर व्हाट यू से कम्युनिकेशन फॉर द ब्रांड, व्हाट द कोर taking the more content approach rather than taking the product approach. So this is also learning for smaller brands like we have Zomato and Swiggy. Think of Swiggy down the like, ab 15 saal baad agar Swiggy exist karta hoga to usi campaign, ab agar Swiggy abhi campaign kar raha hai jo delivery ke 30 minute ke factors bata raha hai, वो कहाँ पहुंच जाएगा. Domino's का एक example लेते हैं, Domino's starting में 30 minute challenge और delivery service पर चलता था, उनकी एडवर्टाइजिंग वहां से डेवलप होते होते फैमिली की हैप्पीनेस मोमेंट्स, दोस्त लोग साथ में खुश होकर खा रहे हैं, वो एंजॉयमेंट और वो कोर इंटरनल फीलिंग के ऊपर चले गए रादर देन कि पिज्जा कैसा होता है. सो ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है एज अ कैंपेन डेवलपमेंट. ये इमोशनली लाइक और भी ज्यादा यू नो कनेक्ट करता है सोसाइटी को, तो ये सोसाइटी कॉज का अभी देख रहे हैं ना काफी सारे एड कैंपेन भी, अब क्या कि धीरे धीरे इस कन्वर्जन में आ गए. थिंक ऑफ लाइक यू नो एम्पायरिंग वुमेन, जैसे हॉर्लिक्स ने आगे शुरू किया था, देन इवन बॉर्नविटा के लिए भी लाइक एक बॉर्नविटा एक बहुत ही फिटनेस और इन सब पे अब फोकस जो शिफ्ट हो गया है जिस तरह से पेपर बोट, तो ये सब जो चीजें हैं वो जो कहीं ना कहीं अब सोसाइटी के अराउंड नजर आ रही है ये एक्चुअली में इशू है, तो उसको वही सब ब्रांड यूज कर रहे हैं अपना भी मैसेज और साथ साथ वो सोशली impactful communication that relates to people because it's very trendy, it's you are listening about the same topic trending also, and it's also catchy because you can relate it to, yeah you can relate it. So Bonvita ka same approach tha. Bonvita I think hardcore FMCG brands properly a strategy, matlab I think isme maharat hasil karke rakhte hain ki like jab Bonvita aur Horlicks jaise brand aaj se 15 saal pehle the, तब वो होते थे कि इसको लेने से वो मतलब हार्डकोर मैसेजिंग पे जाते थे कि प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमारा है जो बोन्स के लिए स्ट्रॉन्गर है, मिल्क के साथ पीने का प्रोडक्ट है ऐसे. लेकिन जब 15 साल से आप ये बात बोल रहे होते हो, कंज्यूमर को पता चल गया कि बॉर्नविटा किसके लिए है, तब उनके उसे अब वो उनकी कम्युनिकेशन अप्रोच है उसके ऊपर कि बॉर्नविटा इज ये जीत की तैयारी है. आई थिंक उनकी करंट कैंपेन ये बॉर्नविटा जीत की तैयारी है, तो रादर देन कि सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होती है, वो उस बात को लेकर बॉडी स्ट्रांग करके अचीव क्या करता है, कंज्यूमर किस फील पे जाता है, रादर देन कंज्यूमर के लिए वो क्या बेसिकली क्या फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वो जाता है कि कंज्यूमर के लिए लाइफ में क्या रिलेट करता है. तो वो ये भी तो जंप है, और
आई थिंक यही जो लर्निंग है वो कई छोटे ब्रांड्स इस बार में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने कई बार आप सीधे लेटरल अप्रोच चले जाते हो एडवर्टाइज करते टाइम। आप सीधे सीधे कम्युनिकेशन में अगर सीधे अपने प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन एक लेटरल अप्रोच रखूंगा तो मे भी इंसान लेटरल से रिलेट कर जाएगा मेरे ब्रांड को, हो सकता है वो लेटरल से कंज्यूम करना भी चालू कर दे मेरे प्रोडक्ट को, बट उसको प्रोडक्ट का कोर ही नहीं पता, लाइक व्हाट इज दिस प्रोडक्ट एक्चुअली डू फॉर मी। सो ये और एक जैसे एग्जांपल दिमाग में अभी आ रहा, पता नहीं ये रिलेट होगा कि नहीं, कि लाइक थिंक ऑफ बाटा, बाटा ने जिस तरह से आगे दिखाया कि बाटा ये भी बेचता है, बाटा ये भी देता है, वो तो क्योंकि एक बाटा का एक परसेप्शन बहुत टाइम से वो परसेप्शन शिफ्टिंग कैंपेन में, तो उसमें बाटा का कोर चेंज हो रहा है, क्योंकि बाटा अभी तक इतने टाइम तक इन द प्रोडक्ट फ्रंट हाउस, देख पहले बिजनेस की तरह से बताओ तो बाटा तब तक स्कूल एंड ऑफिस वेयर ऑफिशियली कम, बाटा की अगर एंट्रेंस स्टोरी अगर जिस तरह से पढ़ोगे लाइक उस टाइम ये शुरू हुआ था सब स्कूल का एजुकेशन का लाइक पूरा पॉलिसी के थ्रू भी, गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू भी शुरू हुआ था, तो दैट वाज द टारगेट दे लाइक टोटली उन्होंने बुलसाई मारा था। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी फिर बाटा का एक परसेप्शन हो गया कि नहीं इट वाज अ स्कूल या ऑफिस गोइंग, कि उनके खाली काले जूते ही आते हैं या फिर वो वाइट जूते ही आते हैं ऑल टाइप्स, इसीलिए उनका कैंपेन का टैगलाइन ये है कि ये बाटा है। और सेम वाज प्रिया या किसका, प्रिया बिस्किट से प्रिया बोल रही है, ये प्रिया का है, पार्ले जी का है, पार्ले जी वाला, यस पार्ले जी का आया था कि दूसरे को पता नहीं था कि ले, वो एक अलग केस है, ये वाला जो केस था इसमें बाटा ने अपना प्रोडक्ट शिफ्ट चेंज किया, प्रोडक्ट नहीं उसने पहले प्रोडक्ट रेंज चेंज किया, और क्योंकि उसने प्रोडक्ट रेंज नया इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, फिर उसने अपना प्रपोजिशन चेंज किया कि अब जो मैं ये रेंज ऑफर कर रहा हूँ ये मेरे पिछले प्रपोजिशन में नहीं लगती है, तो फिर मेरे को इस नए प्रपोजिशन के लिए क्या कैसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, वो चेंज हो। पार्ले का जो केस है उसमें तो बेसिकली जो जब एक्सपैंड कर रहा था वो एक तरह से अपना, नहीं एक्सपैंड नहीं कर रहा था, एक्सपैंड नहीं इन द सेंस कि लाइक ये अपना प्रोडक्ट रेंज की लाइक लोग ज्यादा रेफर तो बेसिकली पार्ले का भी है। हाँ तो उसको तो उस प्रॉब्लम क्या कहते हैं, सो बेसिकली पार्ले के जितने प्रोडक्ट्स हैं, पार्ले के जितने भी ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स हैं, पार्ले जी जो सबसे मेन पॉपुलर अपना प्रोडक्ट है, पार्ले के उसके अलावा और भी तरह के बिस्किट्स आते हैं, पार्ले की प्रीमियम रेंज भी आती है, तो हो क्या गया था कि मार्केट के अंदर पार्ले बहुत ही लोगों को लाइक 20% ऑफ द क्रिएटिव और 10% ऑफ द क्रिएटिव वाज पार्ले जी, रेस्ट वाज द सब ब्रांड ऑफ द पार्ले जी, जो भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो पार्ले का, अगर आई डोंट नो मिलानो पार्ले का है या किसका है, सो लाइक पार्ले जी का हाइड एंड सीक आता है, आपको हाइड एंड सीक एकदम अच्छे से रटा होता है, लेकिन पार्ले के नाम पे लोग सिर्फ पार्ले जी रेफर कर पाते हैं, तो इस ब्रांड हायरार्की को क्लैरिफाई करने के लिए कंज्यूमर के दिमाग में कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो आप खा रहे हो, ये हाइड एंड सीक जो आप खा रहे हो, ये तो बेसिकली एक पेरेंट ब्रांड को एस्टैब्लिश करने का जो कैंपेन था वो था कि आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पार्ले का। सो बाटा वाला केस हो गया जिसके अंदर ब्रांड ने अपना प्रोडक्ट रेंज चेंज करा था, उस वजह से उसको कम्युनिकेशन बदलना पड़ा। टाटा वाला केस था जिसमें ब्रांड इतना हार्डकोरली एस्टैब्लिश था कि वो लोग उस पर अप्रोच ले सकते थे लेटर, लाइक पार्ले जी और कैट अपना बॉर्नविटा एंड हॉर्लिक्स, और बाटा का वो और अपना जो पार्ले जी का केस है उसके अंदर वो अपना मदर ब्रांड को एस्टैब्लिश करना चाहता है कि लोगों को सिर्फ हाइड एंड सीक ना याद रहे, हाइड एंड सीक के ऊपर वो उनका जो पेरेंट ब्रांड है पार्ले जो उस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस आए रादर देन पार्ले जी को एसोसिएट करने के, पार्ले को एसोसिएट करने के सिर्फ पार्ले जी से। एक जैसे मैगी का भी है कि मैगी ने भी अभी अपने वो 2 मिनट्स में बनने वाला कम्युनिकेशन से एकदम डू अवे कर दिया, लाइक अभी वो कहीं नहीं बोलते उन्होंने क्योंकि आपको पता चल गया लोगों को यार वो USP है वो, ठीक है अब उसको बार 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 मैगी ने तो वही ना व्हाट्स द टर्म लाइक एक ब्रांड किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है लाइक एस्केलेटर्स और तुम्हारा टब, वैसे ही हर एक नूडल्स मैगी हो गया था, जैसे कोका कोला भी कह रहे हैं ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही मैगी हो गया था लाइक ठंडा मतलब कोका कोला। Amazon has reached the level की डिलीवरी मॉडल तो हर इंसान को Amazon वाला ही करना होता है, वो कैटेगरी लीडर बन जाते हैं बेसिकली, हम लोग हमारे ऑफिस के अंदर बोलते हैं कि ये जो ब्रांड है ये कैटेगरी लीडर है। सो जब मैं ग्रोफर्स में खड़ा की बात करता हूँ तो भी कंसिडर किया बिग बाजार और ये जो है रिटेल जो स्टोर्स है दे आर द कैटेगरी लीडर्स, हाउ आर दे रीचिंग कैटेगरी लीडर्स, तो कैटेगरी लीडर को हटाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए अगर उससे अगर आपको ऐसी जगह घुसना है जहाँ ऑलरेडी एक कैटेगरी लीडर है, सो द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ सब कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल जब कार्स के अंदर रोल्स रॉयस था, ठीक है वो एक कैटेगरी लीडर बना हुआ था कि भाई बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ चल रही थी, तो फॉक्सवैगन आया उन्होंने छोटी गाड़ी बनाई, तो एक कार की सब कैटेगरी बना दी कि स्मॉल कार्स,
उस तरह से अब अगर जैसे चिप्स और स्नैक्स के अंदर आ गया था कि हाँ भाई अंकल चिप्स या लेज अब कैटेगरी लीडर बन गए, तो लोगों ने फिर हेल्दी स्नैक निकाला कि हाँ भाई चलो वो स्नैक्स के लीडर बन गए बट हेल्दी स्नैक के लीडर हम बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे एक सब कैटेगरी बनाए। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया कि अगर किसी जगह पर कोई ऑलरेडी कैटेगरी लीडर है और आपको मार्केट शेयर चाहिए, देन यू क्रिएट अ सब कैटेगरी उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और है, मोटरसाइकिल्स का एग्जाम्पल है जैसे, तो एक टाइम था जब बुलेट और यूएसडी चलते थे, तो जब हीरो होंडा को एंट्री लेनी थी तो उन्होंने इकोनॉमिकल मोटरसाइकिल की सब कैटेगरी बना दी। फिर जब पल्सर को आना था तो उन्होंने एक और सब कैटेगरी बना दी उनके अंदर। फिर जब स्कूटी लेकर आनी थी तो एक और सब कैटेगरी बना दी। तो वही टू व्हीलर के अंदर कभी एक ही लीडर था, फिर उसकी 10 सब कैटेगरीज अलग अलग बन गई। और आवर थर्ड स्टोरी, ओके सो थर्ड स्टोरी है अपनी, सो स्टार्टिंग द थर्ड स्टोरी, यहाँ पे फोकस है अपना माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है। सो 2017-18 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था एक फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम, पर अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था इसके ऊपर कि लाइक फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम एक तरह से नया डिज़ाइन, पूरा डिजिटल डिज़ाइन सिस्टम एक तरह से पूरा विजुअल स्टाइल क्रिएट हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे गूगल ने किया था ना मटेरियल डिज़ाइन, यू नो, एंड साथ साथ एप्पल का वो पूरा टाइपोग्राफी बेस्ड डिज़ाइन हो गया था। सो यहाँ पे ये अभी माइक्रोसॉफ्ट का देख रहा था कि रिसेंटली उन्होंने एज का रीब्रांड किया, एज के आइकन को रीडिज़ाइन हुआ है एक तरह से वेव में, ठीक है। काफ़ी लोगों का तो है कि लाइक चेंज इज नेवर गुड, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने वही एक तरह से अपना धीरे धीरे अपकमिंग माइक्रोसॉफ्ट अपडेट में, मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी बोलो, उन सब में वो फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। एंड समहाउ यू नो दिस इज़ लाइक टोटली डिफरेंट स्टाइल जो मैंने अब जितने फॉलो किया है ना। एंड माइक्रोसॉफ्ट समवेयर हमेशा से एक डिज़ाइन ट्रेंड को पॉपुलर बनाने में रहा है, स्टार्टिंग विद दैट टाइल्स इंटरफेस जब उसने शुरू किया था, राइट। वहाँ से एक ये सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म का ट्रेंड शुरू हुआ कि लाइक एक सिंपल कलर बोर्ड पे आप किस तरह से यू नो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो उस हिसाब से ही पूरा का पूरा फ्लुएंट डिज़ाइन सिस्टम भी अभी नए जैसे 3-4 अलग अलग तरह के यू नो फॉर्म्स एंड एलिमेंट्स यूज करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम तुम्हारा शेडो लाइट, तुम्हारा स्केलिंग कितना बड़ा छोटा है, एंड समवेयर तुम जहाँ देख सकते हो कि लाइक आई गेस ये भी एक फैक्टर है कि जब ब्रांड्स इस पे फोकस करते हैं कि आपको दिख रहा होता है कि ब्रांड के अंदर इवन डिज़ाइन वाइज भी कितना डेवलपमेंट आ रहा है, वो भी एक तरह का आइडिया बनाता है कंज्यूमर के दिमाग में कि दिस ब्रांड इज वर्किंग हार्ड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, हाउ लाइक लेकिन अगर वो एक आपको वो डिपार्टमेंट में नजर आता है कि वो एफर्ट मार रहा है तो उससे आपको रियलाइज होता है कि एज अ माइक्रोसॉफ्ट एज अ ब्रांड क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, क्या क्या चीजें नई डेवलप हो रही है, वो डेवलपमेंट किस तरीके से आ रहा है। लाइक आई थिंक इसके लिए ऊबर ही बहुत से एग्जाम्पल है। ऊबर की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजाइन लैंग्वेज है, वो इतनी ज्यादा आई विल से रेस्ट्रिक्टेड भी है और ओपन भी है और इतनी डिटेल के अंदर कंस्ट्रेंट बनाई हुई है कि उससे जब ऊबर इंटरनेशनली भी अडेप्ट करता है तो भी वो कैंपेन एक सेम टोनैलिटी का मालूम पड़ता है। और उस एफर्ट की वजह से वो जो सिनर्जी जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के लंबे में मैं इस कंट्री में देखा, मैंने उस कंट्री में देखा, मैंने इस सिटी में देखा, ऊबर उस सिटी में देखा, आई कैन सी द हार्ड वर्क हैज बीन डन टू मेंटेन द ब्रांडिंग एंड द डिजाइन लेआउट्स एंड एवरीथिंग। यू गेट मोर ट्रस्ट ऑन द ब्रांड कि यू रियलाइज कि लाइक दिस ब्रांड इज वेरी फेमिलियर टू मी। इवन इफ आई यूज ऊबर इन सम अदर कंट्री, सम अदर सिटी, वी यूज ऊबर इन लाइक हम दिल्ली में यूज कर रहे हैं, मुंबई में जाके यूज कर रहे हैं, वो ट्रस्ट वो स्टैब्लिश होता है क्योंकि आपको देख के लगता है कि वो
it's the same, it's part of the same family. The consistency helps in giving more trust to the brand. Uber ka yehi cheez hai ki like wo use karke like dekh ke pata kiya, try and test it. Uske dekhoge to pichle 2-3 saal mein itne baar rebranded hua hai Uber, pura redesign hua hai. Even you remember ki beech mein pattern system unhone shuru kiya tha ki har ek country ka different design pattern hoga. So ye digitalized world mein, I don't know, jo pace ho gaya hai ek design ko, you know, badi company hai, especially giants ko agar notice kare, wo jis tarah se jaldi change ho raha hai. Pehle ye utna nahi hota tha, pehle ye consistency chalti thi. So kahin na kahin wo rebranding ka pace bhi change ho gaya hai. And Microsoft hamesha Microsoft ka jo ek low scale mein wo apne chote mote you know change karte rehta hai, wo uska Microsoft jis tarah se evolve hua hai especially design term pe, because Apple shuruaat se hi it believed in typography, right? And abhi dekhoge Apple ka pura ka pura interface and pura ka pura design system hi typography based, matlab pura nahi bolunga, like majority typography based hai, starting from its ad campaign to interface, everything. Microsoft hamesha se yahan pe like kai baar change karte rehta tha, ek consistency follow nahi karta tha. But जितना last time मेरे को याद है, जितना tiles pattern जब उसने 2010 में निकाला था अपना tiles interface के साथ, साथ ही साथ वो एक तरह से foundation लेकर दिया था कि आगे Microsoft किस तरह से एक design world में अपने आप को एक leader बना सकता है. And काफी लोग बोलेंगे like simplicity है, like it's just a plain tile ये वो, but somewhere everyone is now focusing on typography. Microsoft अपना खुद का एक you know, a complex font design कर रहे हैं. हर एक brand अपने complex font design कर रहे हैं. एक consistency लाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह अपने execution पे. Even जैसे Uber का ad campaign में you showed me one page, उनका page दिखाया था कि हमेशा दरवाजे के अंदर से वो photo डाल रहता है. Uber का photography style तो सिर्फ mention कर रहा है. तो क्योंकि Uber cab है, cab आप plot का experience, आप सोचो कि core insight होगा plot कहाँ पर है. कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट यूज करता है गाड़ी में बैठने के अंदर, तब वो फील करता है कि वो आप प्रोडक्ट के आप उबर एज अ ब्रांड का आपका फिजिकल टच है गाड़ी के अंदर. वो ड्राइवर आपका स्पॉक है, आप उस गाड़ी से एलिमेंट रिफ्लेक्ट कर सकते हो. तो वो आपका स्पेस है, दिस इज द उबर का ब्रांडिंग स्पेस, इज द कार, द ड्राइवर और वट एवर द एक्सपीरियंस दे गिव अराउंड द जर्नी. सो उबर ने अपने इंस्टाग्राम पे और आई थिंक इनकी ओवरऑल इंटरनेशनल हर कैंपेन या आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ फोटोग्राफी टेम्पलेट और फोटोग्राफी गाइडलाइंस, तो वो ऐसी है कि हर फोटो समहाउ या तो कार के अंदर के कैरेक्टर्स की होती है या फिर कार से कोई आप बाहर देख रहे हो. सो लाइक सीइंग द विंडो हियर कि उन्होंने किस तरीके से लाइक ना, क्योंकि ऊबर एज अ ब्रांड अगर मैं उस पर माउंटेनियरिंग की कोई पिक लगाता हूँ, इट्स नॉट रेलेवेंट, इट डज नॉट सूट द ब्रांड, बिकॉज वो माउंटेनियरिंग वाला सीन उबर के ब्रांड की किसी भी तरह के उसमें सब चार्ट में नहीं आता. लेकिन अगर उसी माउंटेन को मैं गाड़ी के अंदर से ऐसे क्लिक किया वो दिखाया होता है, दैट्स परफेक्टली फिट इनटू द उबर ब्रांड आर्किटेक्चर और व्हाट यू से ब्रांड लैंग्वेज. सो ये एक बहुत ही अच्छा आई थिंक मैं कहता हूँ केस स्टडी हो सकता है, जब भी अगर आप किसी ब्रांड के लिए फोटोग्राफी स्टाइल डेवलप करते हैं उसके लिए स्टाइलिंग हो सकता है. मैं आई थिंक मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा जो हम लोग रोफर्स में करते हैं. ग्रोफर्स स्टैंड करता है ग्रोसरीज की डिलीवरी के लिए, कंज्यूमर का टच पॉइंट उसके लिए जब वो सामान ऑर्डर करता है ऐप से, उसके पास घर पे किराने का सामान आता है, वो ग्रोसरीज आती हैं, आटा दाल चावल सप्लाईज आती हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे ब्रांड के हो, किसी और के ब्रांड के हो, ग्रोफर्स का हो कोई, मतलब वो सब डिफरेंट टॉपिक है. बट कंज्यूमर को ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हाथ में मिलते हैं जब वो सामान डिलीवर करता है, तो वो हमारा ब्रांड स्पेस है. तो जब भी ग्रोफर्स की कैंपेन का जब मेरे को विजुलाइजेशन करना होता है, so the first thing that comes to my mind is ki I have to show a phone app. लोगों को समझ में आना चाहिए कि it's app based functionality. I have to show grocery products, the kind of products they can order, they can like associate grocers with. So आटा दाल चावल तेल राशन का bathroom supplies kitchen supplies personal care products, ये grocers का atmosphere है consumer की life के अंदर. और ये बात वापस से वही relate करती है कि क्योंकि ग्रोफर आई थिंक ग्रोफर्स और उबर दोनों एक तरीके से नए ब्रांड्स हैं, ये यंग स्टार्टअप्स हैं, इसलिए दोनों हार्डकोर अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर प्रोडक्ट फ्रंट हैं. ये लोग हम लोग अभी भी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उबर को अभी भी कैब बताना जरूरी है उसी कैंपेन में, क्योंकि
हो सकता है कि दुनिया में कोई एक बंदा जो लाइक वो कहते हैं ना इफ यू लिविंग अंडर अ रॉक यू स्टिल माइट नो ऊबर, बट अगर आप वैसे केस के अंदर भी हो तभी आपको टाटा टी जैसा ब्रांड पता होगा कि वो पिछले 15 साल से काम कर रहा है। सो फॉर स्मॉलर ब्रांड्स के लिए अच्छा एग्जाम्पल भी है ऊबर की फोटोग्राफ स्टाइल, बट ये कॉल नहीं है कि जब आप एक यंग ब्रांड पे काम कर रहे होते हो जो ब्रांड अभी तक आप मान के चलो कि ऑडियंस में आपको 5% भी लोग मिल जाते हैं अगर आपको, तो वो आपका ब्रांड नोन भी होगा, वो 5% की नॉलेज भी नहीं है, तो उस ऑडियंस को आप कैसे प्रोवाइड जस्टिफाई करते चलते हो। नाउ इवन इफ उबर इज टॉकिंग अबाउट माउंटेनियरिंग इन सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इज स्टिल फ्रॉम द कैब पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो द कोर ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड एंड मे बी लाइक 20 years डाउन द लाइन और 30 years डाउन द लाइन मे बी जब अपनी बस फ्लाइंग कार्स होने लग जाएंगी और फुली ऑटोमेटेड उबर राइड्स होने लग जाएंगी, तब के टाइम पे मे बी उबर के टेक अ मोर लेटरल अप्रोच ऑफ आई डोंट नो कन्वीनियंस और एक्सपीरियंसेस और जो भी उबर की दुनिया में आता है, बट सीइंग द फोटोग्राफी स्टाइल और उसका एक्चुअली पर्पज इन द डिजाइन, सो मे आई थिंक इवन लाइक मैं तो अपनी टीम को इससे समझाता हूँ कि जब भी आप कम्युनिकेशन बनाते हो किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, इन हाउस ग्रोफर्स के लिए या वॉट एवर जो भी कर रहे हो, अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर को मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ एंगेजमेंट में मेरा ध्यान रह गया और मैंने अपनी क्रिएटिविटी के सारे तीर चला दिए और स्टिल जब मेरे एक रैंडम इंसान वो मेरा उस ब्रांड का वो पीस देख रहा है उसको ब्रांड ही क्लियर ना हो, तो दिस इज अ वेरी गुड टू दैट। ये भी नहीं कि लाइक साथ साथ लाइक ठीक है तुमने एक अच्छा खासा डिजाइन लेआउट बनाया है, बट वो एक कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत जरूरी होगा किसी भी ब्रांड के लिए। रीजन बीइंग कि लाइक कम ऑन, अगर मैंने एक परचेज मान लिया ग्रोफर्स का, देखा ग्रोफर्स का एक विजुअल लैंग्वेज है जो एक ऑरेंज जिस तरह से वो क्रिएटिवली यूज करता है, वही मान लो एक और नया यू नो सम डिजाइन इंटर्न मेड सम थिंग्स एंड वो छप गया इन ऑरेंज का, बस अलग से बार है सारे फॉन्ट इधर उधर फैले। या एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी बिग इशू because yeah it's a very big issue because consumer के दिमाग में like अभी तो हम लोग बहुत ही young brands हैं, तो अगर हमने जो मैं कहूँगा कि हमने जो अभी ये 5 साल भी जो मेहनत करी है it's very less, even that 5 years of effort is nothing when you look it from a random user's point of view। like मेरे खुद के घर पे newspaper नहीं आता, मैंने अगर खुद ने आज तक roofers का 4 बार ad देखा होगा newspaper के अंदर, सो आई कैन अज्यूम कि लाइक इवन मेरा जो नेबर होगा उसने एड देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा, इट्स वेरी लाइक डाइसी लाइक क्या बोलूंगा उसको मैं, डाइसी गैस होगा मेरा कि भाई मेरा नेबर भी एड देख रहा है कि नहीं देख रहा। सो अगर ग्रोफर्स भी अगले 15 साल और सर्वाइव कर जाता है, 15 साल बाद वो बात बोलने की होगी कि यू कैन सी यू कैन रिलेट ग्रोफर्स विद ऑरेंज कलर। आई थिंक इवन वोडाफोन और एयरटेल भी आप अगर देखोगे उनकी ब्रांडिंग के अंदर, वोडाफोन और एयरटेल अपने ब्रांड कलर को एकदम भर के यूज करते हैं। उस कलर कोका कोला बेस्ट एग्जांपल, हाउ टू यूज कलर्स टू एसोसिएट ब्रांड विद इट, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बेस्ड ऑन द कलर। लाइक देयर इज वन ब्रांड कोका कोला से भी ऊपर है उससे, दैट इज लाइक टिफनी ज्वेल्स। टिफनी का दैट लाइट स्काई ब्लू कलर इज लाइक अमेजिंग, तुम्हें कहीं पे भी उसका है ना डब्बे से लेके लाइक वेब बैनर तक इतनी कंसिस्टेंट वे में वो कलर यूज करते हैं, सो इवन दे ओन दैट शेड ऑफ कलर, टिफनी ब्लू बोलते हैं उसे, एंड समहाउ पैंटोन मेक्स दैट कलर एंड उन्हें डायरेक्टर अलग से भेजता है टू द एजेंसीज व्हिच आर वर्किंग ऑन देम। सो ऐसे काफी सारे ब्रांड है जो कहीं ना कहीं है ना वो छोटे छोटे एक किस्म के ट्रेडमार्क बन जाते हैं, और वो ट्रेडमार्क जरूरी भी है, जरूरी भी है एग्जैक्टली, वो सारे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और इवन डिजाइनर्स के लिए तो ये लर्निंग भी है कि उनको सोचना चाहिए कि वो जब वो ब्रांड डेवलप कर रहे हैं तो व्हाट शुड दे कम्युनिकेट, व्हाट आर द लाइंस ऑफ थॉट दैट यू शुड गो थ्रू व्हाइल मेकिंग अ कैंपेन और अ क्रिएटिव और व्हाटएवर आर्ट पीस यू आर मेकिंग। कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी और वो एस्थेटिक सिमिलर लैंग्वेज हेल्प करती है, वो भी उसी चीज में हेल्प करती है। लाइक ग्रोफर्स अगर फुल ऑरेंज है तो मैं चाहता भी हूं कि वो सामने वाला एसोसिएट करे, यू नो जैसे लाइक इफ यू वांट टू लर्न डिजाइन स्टार्ट विद अ टाइपोग्राफी, बिकॉज़ टाइपोग्राफी इज लाइक द यू नो वॉइस ऑफ अ क्रिएटिव,
सो टाइपोग्राफी इफ इट्स बैलेंस द सेम वे वो क्रिएटिव डिजाइन वो एक डिजाइन भी उस तरह से कम्युनिकेट करेगा. मान लिया अगर जैसे एक टाइम पे केओटिक डिजाइन वो रियलिज्म डिजाइन 2010 से पहले का 2008 से पहले का जिस तरह से वो होता था, अभी के टाइम पे देखो कहीं ना कहीं है ना वो फोकस ब्रांड का और भी बढ़ा दिया रहा है. लोगों को एक तरह से पेज पलटने की जगह अब एक फोकस आ गया है कि लाइक बंदों को उस पेज पे उस व्यू पे रोकना है. तो उसी में ये सारे फैक्टर्स सब कहीं ना कहीं यूज आते हैं, कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं इसको ऐड ऑन करने के लिए, एक तरह से अलग से कोई अप्रोच देने के लिए. सो जब मैं iOS डेवलपमेंट सीख रहा था तो उस टाइम मैंने मुझे पता चला था ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस का एंड आई वेंट थ्रू इट और मुझे वो पहला डिज़ाइन सिस्टम था जो मैंने नोटिस किया था. उसके बाद जब विंडोज़ 8 आई थी तब मेट्रो UI वाज अनदर डिज़ाइन सिस्टम दैट आई केम अक्रॉस और वो भी उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुआ था. बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया था कीपिंग इन माइंड जो टच डिवाइसेस उस टाइम बहुत पॉपुलर हो रहे थे, तो उस हिसाब से मेट्रो UI जो था वो बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर की टच फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ होना शुरू किया था. उसके बाद देन गूगल का मटेरियल डिज़ाइन सिस्टम जो आया था जो अगेन फिज़िकल और डिजिटल चीज़ों के बीच में जो उन्होंने कि हम जो यूजुअली फिजिकली जो चीज़ें देखते हैं शेडोज़ और कैसे कितने डिग्री पर लाइट पड़ती है जब हम उसको किसी दूसरे एंगल से देखते हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी अच्छे से UI के अंदर डिजिटली रिप्रेजेंट करने का डिज़ाइन सिस्टम बनाया था. वो भी बहुत अच्छा था और काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ. और उसके बाद सिमिलरली बहुत सारी ब्रांड्स ने उसके बाद अपने अपने डिज़ाइन सिस्टम्स निकाले. जोमेटो ने अपना डिज़ाइन सिस्टम निकाला कॉल्ड सुशी, उनकी ऐप जो है वो पूरा उसके ऊपर बनी हुई है और आगे वो कम्युनिकेशन वगैरह में भी काफ़ी देखते हैं. तो अगर अब इनमें अगर एक कोई कॉमन थ्रेड जो मुझे दिखता है कि कोई भी कंपनी जो एक ग्लोबल लेवल पर एक्टिव है वो सबसे पहले उनको एक डिज़ाइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दे आर इन वेरियस डेमोग्राफ्स एंड जियोग्राफ्स पूरी दुनिया के अंदर. तो वो कंसिस्टेंसी लाना वो ज़रूरी है क्योंकि दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जा रही है. वी आर गेटिंग मोर कनेक्टेड और अगर एक लोकल ब्रांड होती है तो वो लोकली डिज़ाइन रखती होती है कि अगर कोई जैसे साउथ इंडिया की कोई कंपनी है तो वो उसका जो डिज़ाइन सिस्टम और वो है तो वो उतना लिमिटेड रहता होता शुरू में, बट जैसे जैसे वो पैन इंडिया में आती है तो उन्हें थोड़ा एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है. जब वो फिर एशिया में आती है तो वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है. जब वो ग्लोबल लेवल पर जाती है देन डिज़ाइन सिस्टम इज़ नीडेड. सो आई थिंक वो एक दिमाग में रहता है. और जैसे ऊबर का एग्ज़ाम्पल तुमने लिया या फिर हम गूगल का लेते हैं तो दे आर वर्किंग ऑन अ ग्लोबल लेवल. तो जब भी कोई कंपनी आई थिंक इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर जाती है तो उन्हें वो कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर डिज़ाइन सिस्टम इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक तरह से हर कंपनी जो भी शुरुआत करिए इफ पॉसिबल लाइक नॉट अ बिग डिज़ाइन सिस्टम जैसे यहाँ पे सुशी ऊबर के ऊपर या फिर डिज़ाइन सिस्टम, बट सेइंग दैट एक सिस्टम होना चाहिए लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिटी टू द एंड कम्युनिकेशन पार्ट, चाहे वो फोटोग्राफी गाइडलाइंस हो एक वो सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए बिकॉज यू नो दैट्स हाउ योर कस्टमर विल नो दैट यू आर यस व्हाट यू आर एक्चुअली. कि मैं एक पर्चा देख के भी अगर देखूँगा तो या आई कैन से कि लाइक ठीक है दिस इज बिलोंग्स टू दिस ब्रांड बिकॉज ये इसके कुछ एलिमेंट्स है. वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेआउट टू द फॉन्ट टू द कलर टू द इलस्ट्रेशन और द स्टाइल ऑफ यू नो कलर्स या ये सब जो यूज किया है फोटोग्राफी, नॉट जस्ट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, इवन व्हाट दे से एग्जैक्टली व्हाट दे से इज आल्सो वर्बल आइडेंटिटी बेसिकली. जो कम्युनिकेशन की आइडेंटिटी रहती है किस तरह की कॉपी रहेगी किस तरह की टोनैलिटी रहेगी, वो ह्यूमर ब्रांड है कि वो सीरियस ब्रांड है उनका एक कोई कॉज है,
not just design and design वो campaign to campaign ही भी change हो सकता है but सही कहीं ना कहीं that whole look and feel makes it look as correct one. Correct you know क्योंकि मान ले कोई एक brand है XYZ brand है जो आया है market में उसने शुरुआत किया है more of a formal point of view से कि like it uses a formal text now but after 1-2 years you know after getting to know its actual target market and उसके हिसाब से अगर वो convert कर रहा है अपने आप को तो कहीं ना कहीं वो you know easily words के through अपने content के through copy के through वो लोगों को बताता है एक तरह से target कर देता है कि change हो रहा है trend तो उस हिसाब से change हो जाता है but how the design should have the impact उस change की वजह से that's something कि like should it be consistent should it be you know has some point of elements that are still consistent जो उसके पुराने में भी थे और नए में भी होने वाले हैं होंगे I think ये same journey जो सिडनी ने explain करी है इसका एक actually extensive use case मेरे पास है वो है खुद जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ग्रोफर्स में ग्रोफर्स जब शुरू हुआ था ग्रोफर्स वाज अ हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस ऑफ ग्रोसरीज हाइपर लोकल मींस ग्रोफर्स के खुद के वेयर हाउस नहीं थे हम लोग शॉप से प्रोक्योर करते थे एंड डिलीवर करते थे जैसे कि अभी स्विगी का स्विगी सुपर स्टोर या स्विगी होम्स या जो भी स्विगी का ब्रांड है सो इट वॉज अ हाइपर लोकल बेस्ड ब्रांड And when we launched that brand into the consumer's lifestyle, hyper local के अंदर आपके आसपास की दुकान से नीरज दुकान से सामान घर पे आता, so the core benefit the consumer was getting was convenience. You don't have to go outside and you can just deliver it home. And along with the convenience, you also get price benefits. You also get time benefit. You can save your own time. Or you can focus on some other activities. So this was the first campaign that Grofers did back in 2016. But उस टाइम पे हमारी लैंग्वेज थी, उस टाइम पे हमारी कैंपेन का नाम था We Get It, because we get your problems and you don't have time. We get it. The products, whatever products you want, we get it. Whatever your wish list is, we get it. This was the campaign called. लोलिंटासा की वगैरह कैंपेन ब्रांड था वो ब्रांड कैंपेन था पूरा और उसको फिर हमने आराम से एक साल डेढ़ आई थिंक एक साल तक वो कैंपेन चला बट जो एक्सपेंशन वाली बात हो रही थी जो तूने बोला कि जब ब्रांड्स एक्सपेंड होते हैं जब ये कह रहा है कि जब ब्रांड्स एक जगह से और बड़े लेवल पे जाते हैं तब वो जो लैंग्वेज कैसे कैसे डिफाइन होती रहती है उस ग्रोथ के साथ में वो काफ़ी चेंज होता है तो जब ग्रोफर्स हमने एक्सपेंड करने पे काम करना चालू किया तब जब हमने मार्केट रिसर्च करी हम लोग और कंज्यूमर से मिलते गए हमारी और ऑडियंस बढ़ती गई तब हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कन्वीनियंस एज अ व्हाट यू कॉल कस्टमर बेनिफिट कस्टमर्स डोंट वांट कन्वीनियंस Our main core thought of the campaign was that consumers would want convenience. They want to save their time. They want to save their effort. That's why we will get that. We'll save their effort. We'll get the product. We get your time. We get your problems. This was the campaign. But as we expanded into multiple cities, we expanded into different consumer segments, like even going from metro cities to smaller cities, tier 2 cities to tier 3 cities. Now in tier 2 or 3 cities, there's a kirana shop at every corner. Even in Delhi, I'm from Jaipur, I can say from even Jaipur also. There's a kirana shop at every like nukkad. Har kone ke upar ek kirana ki shop hoti. So convenience as a thing, nobody like it's anyways very convenient to get something. Just go outside, there's a shop next door, you can get the products. So convenience is not something that you would aspire for. Mm-hmm. What consumers were actually aspiring for was savings on the groceries because grocery was an everyday need. Really, that's how the whole and then that's how the whole shift. Campaign and the communication identity changed, and we became a first super Mrs. Ka Save supermarket. So did that affected your main brand? I'll tell you. In terms of design, ये एक तरह से campaign brand अगर इसे बोला जाए, ये अलग campaign के लिए वैसे एक तरह से. तो जब हमने वो campaign अभी पहले हम लोग कन्वीनियंस फ्रंट पे थे जो कि वो जो कन्वीनियंस फ्रंट था उसकी लैंग्वेज लाइक हमारा ब्रांड का जो ब्रांड का कलर है ऑरेंज है ब्रांड जिस प्रोडक्ट रेंज पे बिलोंग करता है मैं बिलोंग अभी उसी पे कर रहा था प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स में ग्रोसरी बेच रहा हूँ ग्रोफर्स तब भी ग्रोसरी बेच रहा था कंज्यूमर को वो अभी ग्रोसरी बेच रहा है बट द होल बिकॉज द बिजनेस चेंज बिकॉज वी एनालाइज द कस्टमर्स बेटर
they changed the whole market, and not even just for Grofers. When the time Grofers was going deep into the different market segments like tier 2, tier 3, or expanding to various cities of India, because even in India we see different type of people, different type of cultures across, like up those city bhi cross karte ho aur language change ho jati hai. एक सिटी चेंज हर 50 किलोमीटर नई लैंग्वेज मिल जाती है, नए तरह के लोग मिल जाते हैं. तो जब ब्रांड्स उस तरह एक्सप्लोर करते हैं ना, तो उनको मालूम पड़ता है एक्चुअली कंज्यूमर चाहता क्या है, और उस तरीके से फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन चेंज होता है, ब्रांड की मेन टोनैलिटीज चेंज होती है. हमारा जब हमने ये रिसर्च करी थी और Grofers ने पूरा डिसाइड किया था कि Grofers विल स्टैंड फॉर एवरीडे लो प्राइसेस, दिस वाज अ कैंपेन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एवरीडे लो प्राइसेस ऑन Grofers सो दैट यू गेट द बेस्ट सेविंग्स. Then the brand also incorporated, we incorporated, because in India primarily housewives and our mothers, this is the target market of grocery, like even though India is developing and it's very good that India is developing and women are doing everything, but major core audience Grofers ki hai, housewife, mothers. So humne us tarike se consumers ko adapt karte hue Super Misses ka supermarket campaign pe lekar aaye. And then our recent campaign, we talk directly to the savings point of it. The Grofers stand for super savings ka supermarket. This is the kind of supermarket that gives you the best savings. So because this was the thing that people judge the brands on in the retail sector, grocery retail sector, not even like it's not, this is not the ideal model maybe for a shoe retail or a fashion retail, but for the grocery retail we discovered that this was the, like, not discovered, we realize this is the model, this is what consumers aspire for, these are the reasons why they aspire for this kind of thing. That's how we changed our business, our marketing agendas, our campaigns, and even in design. So when I make things for Grofers, I always consider the point of view where when I have to show products with the real pricing, it's a kind of communication thing that we always, whenever we show that this campaign, like when I say this is my main point to communicate, they want to communicate Grofers stand for savings, along with that I show some grocery products and the pricing, so that people believe what is the, why are we saying savings, how are you giving savings exactly. And that's how the Grofers matlab campaign follow kiya hai, and this is the overall design language change hote hue dekha hai na, ki like ek pehle jo आइसोलेटेड बैकग्राउंड में जिस तरह से यूज करते थे प्रोडक्ट, तो वो एक तरह से अब बैलेंस्ड केओस बोलूंगा मैं. यस, इट्स बैलेंस्ड टू से बैलेंस एज वेल एज केओस इन वन थिंग, बट समहाउ एज अ डिजाइन इट्स बैलेंस्ड एट प्लेसेस. या बट इट्स अ, इट्स स्टिल अ केओस, इट्स स्टिल अ केओस, एंड आई थिंक दिस केओस happens to every young brand. Exactly. क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट काफी है. अब आप नीश मार्केट नहीं हो जहाँ पे आपके पास लिमिटेड गिनती के 20-40-50-80 प्रोडक्ट होंगे, आपके पास हजारों Grofers में होता है. When you talk about Flipkart, for example, उनके पास लाखों की product range होती है. Big billion के अंदर they were saying कि like billion deals का वो लोग Flipkart तो somehow followed that Google का material design एक तरह से follow हुआ था उसमें, जिस तरह से उनका website, I don't know अभी किस तरह से उसमें क्या change होगा इस साल, but last year when I was following it, like material design का काफी उन्होंने use किया था. एक था कि इससे main चीज like उन्होंने focus की थी कि वो load होने में उतना ज़्यादा टाइम ले जाता था. मटेरियल डिजाइन का अगर तुम देखोगे कि वो एक तरह से लाइट डिजाइन सिस्टम है, वो इतना मे बी डेटा है, एक तरह से इतना टाइम नहीं खींचता लोड होने के लिए, तो जस्ट ओपन, क्योंकि क्लीन टाइल्स है एंड फॉन्ट्स है. ये तो काफी हद तक बिजनेस रिक्वायरमेंट ही है कि अगर आपका, इफ यू हैव अ सॉफ्टवेयर, इट शुड नॉट लैग, इट शुड ओपन. एक एस्थेटिक सेंस है मटेरियल डिजाइन का, एंड क्योंकि अगर मैं दो बड़े जायंट को कंपेयर करूं, Amazon का डिजाइन सिस्टम और Flipkart का डिजाइन सिस्टम, एक डिजाइन प्रेजेंस Flipkart में दिखता है, एक लेआउट प्रेजेंस Amazon में दिखता है. Amazon में जिस तरह से प्रोडक्ट लेआउटेड रहते हैं अपने पूरे वेबसाइट में या फिर लैंडिंग पेज में, पोजिशनिंग जिस तरह से उसकी वहां पे, एंड वहीं अगर Flipkart में जिस तरह से वो कलर्स के साथ प्ले किया है, Amazon इज मेजोरिटी वाइट,
प्रोडक्ट के अराउंड वाइज रेटिंग दिखाते हैं। फ्लिपकार्ट पूरा का पूरा कलरफुल एंड ब्लू एंड येलो के दबा के यूज करते हैं। ये डेवलपमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हो आपका कंप्यूटर ब्रांड क्या कर रहा है। सो यू हैव टू बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इन योर ओन वे so that your communication stack, even if you are offering the clarity, same, yeah, अगर आप consumer को literally same चीजों के दो अलग अलग ad दिखा रहे हो, because आप देखोगे तो Flipkart पे information clarity, I don't know, in my opinion, Amazon की point of view से ज़्यादा better है। हाँ, Amazon exactly. Amazon is chaos and there is a reason for that because it sells everything from A to Z. So वही चीज़ उसका एक major भी एक तरह से उसके design में involve हो गया है। Correct. तो यार जितनी व्हाट डू यू थिंक, आप सो रहे हो? टू कंक्लूड, सो आई थिंक काफी अच्छा डिस्कशन हो गया। डिस्कशन रहा, हमको कुछ सीखने को मिला, सबको कुछ सीखने को मिला। होपफुली शुरू शुरू से समझती है काम बराबर। होपफुली देना जरूरी है कम से कम। भाई मेरा आज सुनेगा तो आएगा ना साला, फोन भी लगा हुआ था, टिकटॉक चला रहे हैं। कितने व्यू आए? क्यों चलाया गया सर? टिकटॉकर ही लौट ना, टिकटॉकर हो तुम सर, टिकटॉकर। वो तो मैंने कब। ओके, सो टू कंक्लूड, आई थिंक दिस वाज अ रियली गुड डिस्कशन। वी डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम द प्लैगरिज्म एंड द ब्रांड मैनेजमेंट, द ब्रांड कम्युनिकेशन, द डिज़ाइन सिस्टम एज वेल एज मैनी कैंपेन्स। We hope that you also enjoyed and learned something from the podcast. Do let us know what are your thoughts and what you would like us to cover in our upcoming podcast. Critique us, roast us, and your suggestions are most welcome and we need them the most. So please use social media to share this podcast and to share your views using the hashtag Untitled Podcast. And finally, I would like to thank Vibor, Sid, and myself for giving their valuable time and opinions on this podcast. And thanks for listening. We will see you, you will hear us in the next podcast soon. Till then, peace out. Bye, guys. Glad to be here. Hope to see you. Bye.